मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर ट्रेन का टिकट कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाइए। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेन का टिकट डाउनलोड करेंगे। अगर आपका टिकट है या आपका दुकान है, शॉप चलाते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप टिकट बनाते हैं, तो उसका टिकट आप कैसे डाउनलोड करके देंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेन के टिकट को डाउनलोड करेंगे। अगर आप टिकट बनाते हैं, आपको टिकट डाउनलोड करना नहीं आता है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से ट्रेन का टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से ट्रेन का टिकट डाउनलोड किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप IRCTC से टिकट बनाते हैं तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, चाहे आपका टिकट हो या आपका दुकान हो या शॉप हो, आपके पास कोई आता है टिकट बनाने के लिए, तो फिर आप कैसे उसको टिकट डाउनलोड करके आप उसको कैसे दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और इसमें पहले आपको वेबसाइट जो है रेलवे का वो आपको यहाँ पर चालू कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से चालू करेंगे और जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करके आप लॉगिन पहले कर लीजिएगा। तो यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे, या कैप्चा है कैप्चा आपको इसमें डालना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप कैप्चा को रिफ्रेश करके यहाँ दूसरा कैप्चा भी ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है, पे यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर साइन हो गए हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको टिकट को डाउनलोड करना है। तो आपका टिकट हो या आपके पास शॉप है, दुकान है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपके पास टिकट है, तो उसको आप कैसे डाउनलोड करके देंगे, चाहे आप नया टिकट बनाते हैं तो आप कैसे उसको डाउनलोड करके देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माय अकाउंट का ऑप्शन है, जैसे इस पर कर्सर रखिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से हाईलाइट होके ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि माय ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, जैसे इस पर कर्सर रखिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। तो आपको इतने सारा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बुक टिकट हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए जो भी आपका टिकट है वो इस तरीके से यहाँ पे आपका टिकट आ जाता है। अपना टिकट को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो टिकट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आइकन साइड में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपका टिकट ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो भी आपका टिकट है वो आपका यहाँ पर टिकट आ चुका है। यहाँ PNR नंबर आ जाता है और आपके ट्रेन का पूरा स्टेटस आपको यहाँ पर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके सिस्टम में अटैच है प्रिंटर तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए और जो भी कस्टमर आता है उसको आप व्हाट्सएप भेज दीजिए या उसको मोबाइल में दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि ये ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। अब इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फाइल नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ टिकट, इस तरीके से यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ सेव वाले पर क्लिक कर लीजिए तो आपका टिकट है सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ है। तो इस तरीके से देख आएंगे, यहाँ पर देखिए टिकट वाले क्लिक करके आप इसको ओपन करके देख लीजिए। तो यहाँ चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपका टिकट यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ये टिकट है। तो सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप ट्रेन का टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टिकट, या आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपके शॉप है, दुकान है,
तो बोलता है टिकट डाउनलोड करने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से उसको आप टिकट डाउनलोड करके दे सकते हो। तो गाइस ये वीडियो को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।